सबसे प्यारे भगत गुरु, जब हम कहते हैं कण कण में भगवान है, लेकिन इसको प्रमाण किसने किया? श्री प्रह्लाद महाराज ने इसका प्रमाण करके दिखा दिया, भगवान सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए तुम भगवान की सबसे प्यारे भगत। प्रह्लाद ने कहा, मेरे को भगत कह रहे हो, मेरे अंदर में भक्ति का भाव ही नहीं है, मेरे अंदर में भक्ति का भाव ही नहीं है। भले भगवान जो नरसिंह देव तेरे लिए प्रकट हुए हैं, बोले मेरे लिए थोड़ी प्रकट होगी। बोला किसके लिए प्रकट होगी? बोले अरे ये चतुष्ण, कभी ये चतुष्ण ने कभी ब्रह्म लोक से प्रभु को दर्शन करने के लिए आए, और ये हिरण्यक और हिरण्यकश्यप जय और विजय थे, और इन्होंने क्या किया, उनको रास्ता मार्ग रोक दिया था, इसलिए चतुष्ण ने इनको अभिशाप दिया था, जाओ राक्षस जन्म में जाओ, जन्म में जाओ। इतने में भगवान आए, बोले क्या बात? बोले ऐसे ऐसे, बोले अगर तुम मेरे भक्त बन करके जाओगे ना तीन जन्म में, भक्त बन करके जाओगे तो सात जन्म में आओगे, अगर मेरे शत्रु बन करके जाओगे ना तीन जन्म में आओगे। बोले बताओ क्या चाहते हो? बोले प्रभु जल्दी जल्दी हम वैकुंठ में वापस आना चाहते, जाओ फिर तुम दोनों राक्षस बन करके जाओ। इसलिए ठाकुर जी प्रकट हुए मेरे लिए नहीं, वो तो ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, वो जय विजय को उद्धार करने के लिए ठाकुर जी प्रकट हुई है, मेरे को तो ये निमित्त मात्र है। इसका मतलब है कि इनकी दीनता है। भक्त कभी कहते नहीं ना, अरे मेरे लिए ठाकुर आए, नहीं, ठाकुर तो किसी दूसरे के लिए ठाकुर जी आए। और प्रह्लाद कहते, देखो मेरे वंश में ये बलि महाराज आए, लेकिन देखो मैं कितने हतभागा हूँ, ये बलि महाराज मेरे वंश में आए और क्या हो गया? अभी ठाकुर जी ने कहा वर मांगो, उन्होंने क्या वर मांगे? बोले प्रभु जब मैं घर से निकलू ना, आपका दर्शन करते हुए निकलू, जब अंदर में आओ आपका दर्शन करते हुए आओ, ये वरदा भगवान दरबार में बने, ठाकुर जी उनके दरबार में करके बैठे हुए मेरी वजह से, क्योंकि ठाकुर जी बोले तेरे वंश में कोई भी आएगा ना उसको मैं हारूंगा नहीं, उसको मैं अपना भक्ति प्रदान करूंगा। और देखो मेरे वंश में बांसुर आया, और ये बांसुर इतनी उत्पात मचाया, भगवान के बेटे को ही कल सुन रहे थे ना, भगवान के बेटे को जेल में बंद कर दिया, और इसी वजह से ठाकुर जी को युद्ध करना पड़ा, भगवान को युद्ध करना पड़ा इसी वजह से। और देखो हम कहते हैं ना, अरे तो बचपना है, बचपना मतलब क्या है? बच्चों का बुद्धि देखो, कभी ये कभी ये कभी ये, इनका बुद्धि स्थिर नहीं रहता है, इसलिए अभी छोटा बच्चा है ना, मैं
इसलिए ये छोटा बच्चा बुद्धि का थोड़ी हमारा बचपन हमारी बचकाम है, हम समझ क्या हमारी है, इसलिए भगवान मेरे लिए प्रकट नहीं हुए, वो तो अपना भक्तों लोग के लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए तुम लोग भक्त देखना चाहते हो ना, जाओ बोले कहाँ पर, बोले किमपुर देश में चले जाओ, वहां पर श्री हनुमंत लाल को देखोगे कैसे भगवान की परम भक्त। यहाँ पर तो भक्त किसको कहते हैं, भक्ति का मतलब क्या है, बोले भज धातु सेवया, भक्ति कहते हैं सेवा। मैंने कहीं ठाकुर का सेवा किया हूं, इसलिए ये प्रह्लाद को ज्ञानी भक्त कहते हैं। ज्ञानी भक्त मतलब क्या, जो सर्वत्र भगवान को, सर्वत्र प्रभु को जो अनुभूति करता है। इसलिए जैसे प्रभु प्रकट हुए, ठाकुर जी मेरे को गोद में लिए, चाटे, सब कुछ तो किए, ठाकुर को मैंने सेवा किया है। क्यों, जो ज्ञानी भक्त होते हैं, बोले भगवान का किस चीज की कमी है भगवान की, वो तो त्रिभुवन का नाथ, जगत का मालिक, उनका है सारा दुनिया, उन्हीं का हम उनका क्या सेवा करेंगे। इसलिए वो कण कण में भगवत अनुभूत करते हैं, लेकिन ठाकुर को सेवा नहीं करते हैं। भक्ति मतलब होता है सेवा करना। देखोगे ना भक्त, जाओ हनुमान जी को देखो, वहां डायरेक्ट देखोगे भगवान की सेवा करते हुए, डायरेक्ट देखोगे। जब ये बोले ना, इतने में नारद जी उठाया अपना वीणा, बस वीणा उठा करके नारद जी बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 नारायण हरि गोविंद जय जय नारायण हरि गोविंद हनुमत लाल जी क्या कर रहे हैं, एकदम राम की चिंता में एकदम डूबे हुए, डूब करके क्या कर रहे थे, बोले रघुपति राघव राजा राम नारद जी आकाश से उतर रहे, बिना बजाते बजाते, और इधर हनुमान जी कीर्तन कर रहे। जब हनुमान जी ने देखा ये नारद जी आकाश से उतरते हुए आ रहे, ठाकुर का नाम लेकर क्या बोल रहे थे, बोले श्री सियावर रामचंद्र की, बोले श्री कमल नयन श्री रघुपति राजा राम की। जब श्री प्रभु राम की जय जयकार करते हुए आ रहे थे, इतने में हनुमान जो नारद जी वध का उतरते हुए, इतने में हनुमान जी लगाया एक छलांग, और छलांग लगा करके श्री नारद जी को आलिंगन किया, और आलिंगन करके ले आए, ला करके श्री राम जो दरबार है, राम लक्ष्मण सीता, वहां पर बैठा दिया। जब बैठा दिया, इतने में श्री नारद जी कहते, बोले हनुमान जी तेरे जैसे जगत में कोई भगवान की प्यारे भक्त। इसलिए ये हनुमान जी ऐसे है, हनुमान जी इतने बलवान, ये हनुमान जी कौन है, कितना रुद्र देह जी नेह बस वानर भय हनुमान, ये स्वयं भोले बाबा है। जब शंकर जी देखा ये शंकर शरीर से हम प्रभु राम की सेवा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने नेह मतलब प्रेम से उन्होंने हनुमान बन करके आए। हनुमान इतने पराक्रमी, आप सुने होंगे जब हनुमान जी जन्म हुए, जन्म होते ही उनको भूख लगा, जब भूख लगा देखा सूरज उदय हो रहा था, और सूरज कैसे लगा, जैसे लाल लाल कोई खा ले, और हनुमान जी अभी अभी हनुमान जी जन्म हुए, देखो क्या पराक्रम हनुमान जी, और हनुमान जी आकाश में उड़ते गए, उड़ते उड़ते उन्होंने क्या किया, उन्होंने सूर्य को स्वयं अपना
अंदर में ले लिया, सारा दुनिया अंधकार हो गया, सारा दुनिया अंधकार हो गया। और इतने में इंद्र ने क्या किया, वज्र से उन्होंने हनुमान को मारे, मारे तो हनुमान जी बेहोश होकर गिर पड़े। जब बेहोश होकर गिर पड़े इतने में जब हनुमान जी का पिता कौन है, श्री पवन देव को पता चला, उन्हें हवा बंद कर दिया। आज सबका हवा बंद हो गई, सबका हवा बंद हो गई, सबके सब छटपट करने लग गए, विश्व ध्वंस हो जाएगा, हवा बंद हो गई। स्वर देवादेवी प्रकट हुए, फिर हनुमान को प्राण दिए, फिर हनुमान जी को स्वर देवता ने वरदान दिया। स्वर देवता ने ब्रह्मा कहते मेरे ब्रह्मास्त्र कोई काम नहीं करेगा तुम्हारे पर में है पाशुपत्र, मतलब सारे देवता ने सबके सब हनुमान को वरदान दिया। मतलब बचपन से हनुमान जी इतने पराक्रमी, इतने बलवान, और ब्रह्मचर्य उन्होंने है ब्रह्मचर्य बन करके आए। इसलिए कहीं कहीं आता है जिस समय शंकर जी हनुमान बन करके आते हैं, जब शंकर जी हनुमान बन करके आ रहे थे इतने में देखना, अगर पति कहीं जाए ना पत्नी देखना, सबसे पहले पत्नी तैयार बैठती, पहले साड़ी खाड़ी पहन करके सर धज करके, अगर पति कहीं जा रहे हैं देखना पत्नी बड़े सुंदर सर धज को पहले बैठती है। इतने में शंकर जी अभी हनुमान बन करके प्रभु को सेवकाई करने आएंगे, पार्वती सर धज करके बैठ, बोले मैं भी चलूंगी। हनुमान जी कहे नहीं, ये जो मेरे अवतार है ना, मैं ब्रह्मचारी बन करके जाऊंगा, हाँ इसी ब्रह्मचारी में बनूंगा। अब ब्रह्मचारी क्या होता है, स्त्री को प्रति नजर नहीं देते हैं, हाँ शादी नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करके प्रभु की सेवा करते हैं। इसलिए बोले भैया इसी जीवन में तू तेरी कोई जरूरत नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी बन करके जा रहा हूँ। बोले नहीं मैं तो जाए बगैर रह ही नहीं सकती, मुझे तो जाना ही तुम्हारे साथ में। बोले कैसे जाओगे, बोले तुम्हारी पूछ को ऊपर बैठ जाऊंगा, पूछ में रहूंगा। इसलिए कहते हैं संत लोग जब हनुमान जी की पूछ में आग लगाए, पूछ में आग लगाए, पूछ में कौन बैठी है, माँ पार्वती बैठी है। बोले पूछ में आग लगाया तुमने, मैं बैठी हूँ। उसने किया कि अपना लंका को जला करके राग बना दी। इसलिए कहते श्री हनुमान जी अखंड ब्रह्मचर्य पालन करते हुए उन्होंने भगवान राम की सेवा किया है। इसलिए कहते हैं ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, श्री हनुमान जी। आप लोग सब रामायण जानते हो, हनुमान के बगैर राम कथा है ही नहीं। इसलिए हनुमान जी ने क्या की, अगर हनुमान नहीं होता है ना, माता सीता को कोई पता लगा सकता था, कोई नहीं लगा सकते थे, हनुमान ही। इन्होंने बड़ी पराक्रमियों को साथ में गए। अब रामायण देखोगे, पहले जब घुसने चाह रहे थे ना, वहां पर लंकनी सबसे पहले उन्होंने वहीं पर बाधा डाली, लश्करी डाली, तो हनुमान कोशिश कर रहे थे भैया स्त्री से लड़ाई करके क्या लाभ है, इसलिए किसी तरह से अपना काम बना लो। वो सूक्ष्म रूप बन करके जा रहे थे, इसने में लड़की बोले कहाँ जा रहे हो, मेरे आंख में धूल झोंक करके। बोले भैया हम तो सोच रहे थे अपना काम बना ले, तो छोड़ना नहीं चाहते। इतने में हनुमान जी है अपना रूप दिखा, मारे एक मुक्का, और एक मुक्का मार कर उन्होंने छक्का छुड़ा दी, मुंह से खून की उल्टी होने लग गई। फिर लंकी नहीं बोली, मैं अभी जा रही हूँ, मेरी काम पूरी हो गई है, अभी ये लंका ध्वंस होने वाले, ब्रह्मा जी मेरे को बोले थे कि लंका को रक्षा करना, लेकिन एक बंदर आएगा, जब बंदर आ करके तो मुक्का तेरे को मारे ना, और तेरे छक्का छूट जाए, पता चलना, पता चलेगा लंका वो रहने वाले नहीं, ध्वंस होने वाले। इसलिए भैया मेरी ड्यूटी खत्म और मैं जा रही हूँ, और लंका ध्वंस होने वाले। कैसे अंदर में गए, कैसे विभीषण से मिले, पहले वहां से कैसे माता सीता जी से मिले, कैसे मुद्रिका देख करके चूड़ामणि को लिया, कैसे उन्होंने फल खाने के लिए गए, और मेघनाथ कैसे पकड़ करके ले गए, और पूछ में आग लगाए तो पूरा लंका को जला करके राख बना दी। और सेनापति भी हम ये कौन है, उन्हें सेनापति पद का उन्होंने काम किया। लक्ष्मण को जो शक्ति सेल हुई कोई आसानी बात नहीं था, जा करके रात
जाकर गंधमार्दन पर्वत को पूरा के पूरा उठा कर लाना, विशल कर लाना, अगर हनुमान नहीं होते तो ये संभव नहीं था। जब राम लक्ष्मण को नागभास बंधन में बांध दिए, वो भी आसानी बात नहीं था, गरुड़ को बैकुंठ से हैं, बैकुंठ से उनको ले आना ये कोई आसानी बात नहीं था, गरुड़ को ले आना हाँ ये असंभव बात, लेकिन गरुड़ छोड़ रहा था, रात ले आए और उन्होंने नागभास बंधन से मुक्त कर दिया। इसलिए जिस समय माता सीता जी को उद्धार करके लाए, प्रभु राम इतने प्रसन्न हो गए, बोले बेटा राम हनुमान अगर तू नहीं होता तो ये सीता की उद्धार होना बड़ा कठिन था। बोलो आज तू जो मांगोगे ना जी भर कर मांग ले, हर तरीके में सब कुछ देने के लिए तैयारी है। हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले बार बार बर मांगो हरसी देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। प्रभु हमें भक्ति चरण की भक्ति दो, सेवा दो, संतों की संगे हमें प्रदान करो। इसलिए भगवान जब आशीर्वाद, अब रामायण में देखे होंगे जब भगवान राम हनुमान के सर पर हाथ रख रहे ना, कैलाश में दिखाया, क्या दिखाया कैलाश में, शंकर जी के सर को भर में भगवान राम के हाथ, शंकर जी प्रेम में गदगद हो गए, बोले पार्वती आज मेरे जीवन धन्य हो गया है, देखो प्रभु मेरे सर को पर हाथ रख करके अपना भक्ति मुझे प्रदान कर रहे हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया है। इसलिए मैया सीता, बोले हनुमान तू नहीं होता तो मेरी मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए सबसे कीमती चीज उन्होंने दिया, गले की गजमोती हार निकाल करके दे दिया। लेकिन हनुमान जी क्या कर रहा था, एक एक मोती को लेकर के दांत में काट काट कर फेंक रहा था, दांत में काट काट कर